हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे आम का मीठा अचार। और हमारे यहाँ यूपी में हम जिस साइड से हैं वहाँ पे इसको आम का मुरब्बा या गुरम्मा बोलते हैं। आप लोग इसे क्या बोलते हैं कमेंट करिएगा। तो ये सिंपल वे में ये आम का मीठा अचार, चलिए हम इसको बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आम को मैंने धो के कट कर लिया, और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। साथ में जाएगा गुड़, लाल मिर्ची, खड़ा धनिया, मंगरेल, मेथी, सौंफ, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और काला नमक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक मोटे तले की मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। और इस अचार को आप सरसों के तेल में ही बनाइए। जब हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो सारे खड़े मसाले जो भी हमने लिए थे वो हम इसमें डाल देंगे। और जब हमारे मसाले थोड़े से कुक हो जाएंगे तो उसमें हम लाल मिर्ची ऐड करेंगे और खुशबू अच्छी तरीके से आने लगेगी, फिर इसमें हम आम डाल देंगे। और आम को 2 से 3 मिनट तक हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, न बहुत कम न ज़्यादा। 2 मिनट तक हम आम को भून लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो थोड़ा सा डालेंगे हल्दी, हल्दी बहुत थोड़ी सी जाएगी। फिर डालेंगे हम लाल मिर्च, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आप खाते हो, आपके घर में खाया जाता हो। नमक डालेंगे हम स्वादानुसार, और थोड़ा सा जाएगा इसमें काला नमक। काला नमक ज़रूर डालिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब 1 से 2 मिनट के लिए फिर हम मसालों को भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे गुड़, इसमें पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो आम के ऊपर हमें गुड़ डाल देना है, और इसको चलाना नहीं है, गुड़ ऊपर ही रखना है, नीचे ना जाए नहीं तो जलने लगेगा। पहले आम के ऊपर हमें गुड़ को एक लेयर लगा देनी है, फिर गैस की फ्लेम को कम करके और हमें लेट से कवर कर देना है 5 से 7 मिनट के लिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए बिना पानी डाले कितनी सारी ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है, गुड़ हमारा मेल्ट हो गया अच्छी तरीके से। देखिए इसमें ग्रेवी जैसी अपने आप हो गई है तैयार, क्योंकि गुड़ और आम में जो पानी था वो निकला है, गुड़ पिघल गया और आम का पानी है। तो अगर आपको सिर्फ आप नॉर्मल ऐसे 2-4 दिन खाने के लिए बना रहे हो तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ये ग्रेवी बनी है ये बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको पराठे पूड़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इसी तरीके से आम हो जाए तो आप खाइए, लेकिन अगर आप पूरे साल रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसको अच्छी तरीके से पकाना होगा। देखिए एकदम इस तरीके से किनारे से बबल्स आने लगेंगे, और इसकी चाशनी हम चेक करेंगे कि एक तार की चाशनी बने। तो अभी देखिए चाशनी उतनी अच्छी तरीके से नहीं बन रही है, तो 2 मिनट और पकाएंगे। अब थोड़ा सा ठंडा करके फिर से चेक करेंगे। देखिए एक तार की चाशनी हमारी बन गई है। तो ये हमारा आम का मुरब्बा बनकर तैयार है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके हमें एक एयर टाइट कंटेनर में इसको रख देंगे, और पूरे साल इसको आप इंजॉय कीजिए। आम का टेस्टी मीठा अचार बनकर तैयार है। तो इस रेसिपी से आप अचार बनाइए और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।